जय श्री हरि, राधे राधे। आप सबका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज गुरुवार है और गुरुवार का दिन श्री हरि, विष्णु और देव गुरु बृहस्पति से संबंधित होता है। शुभ फलों की प्राप्ति इस दिन व्रत और पूजा के साथ ही होती है। गुरुवार का संबंध जो है हमारे सुख सौभाग्य और समृद्धि से जुड़ा होता है। सभी वारों में गुरुवार या बृहस्पतिवार को बहुत शुभ माना गया है। तो आज मैं आपको कुछ उपाय बताने जा रही हूँ जो आपको समस्त परेशानियों से मुक्ति मिलती है। बृहस्पति देव की कृपा से सभी काम संपन्न होते हैं और ये उपायों के दिन गुरुवार के दिन करने से नौकरी में आ रही परेशानी, बिजनेस में घाटा, आर्थिक स्थिति जैसी कई समस्याएँ दूर होती हैं। तो चलिए जानते हैं इन उपायों के बारे में। तो जल्दी से आप मेरी भक्तों वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और विष्णु भगवान लक्ष्मी माता को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए जानते हैं इन उपायों के बारे में। तो पहला उपाय है आपके बिजनेस में लाभ के लिए। बिजनेस में अगर लंबे समय से घाटा चल रहा है तो गुरुवार को मंदिर जाकर हल्दी की माला भगवान विष्णु को डाल दीजिए। साथ ही इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करें, हल्दी तिलक लगाएं। इस उपाय को करने से गुरुदेव की कृपा बरसती है और व्यापार में मुनाफा होने लगता है। तो ये था पहला उपाय। और दूसरा उपाय, नौकरी में प्रमोशन के लिए। जिन भक्तों की जॉब में प्रमोशन या वेतन वृद्धि ना होने को लेकर परेशान रहते हैं जो भक्त, तो गुरुवार के दिन अधिक से अधिक पीले रंग का प्रयोग करें और पीले फल और फूल चढ़ाकर विष्णु भगवान की पूजा करें। आपने क्या करना है, एक पीले रंग का वस्त्र लेना है जिसमें पीले नारियल, पीले फूल और नारियल, पीले फल, हल्दी और एक खड़ा नमक आता है पिसा हुआ, नहीं खड़ा नमक, उसमें पीले कपड़े में सबको मिला के बांध लें। इन चीज़ों को मंदिर की सीढ़ियों में रख कर आ जाएं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है आपको, इस दौरान किसी से कुछ कहें ना और ना ही कुछ बोलें। तो ये उपाय कम से कम एक बार करने से कुछ नहीं होता। ये उपाय कम से कम 5-7 जैसे 11 जैसे भी आपका दिल करे उतने दिन ही करने हैं, तभी आपको फल मिलता है। आप सोचें एक बार करने से फल मिल जाए, नहीं, तो इसको 5-7-11 जो भी आपने चुनना है चुन लीजिए। तो चलिए चलते हैं तीसरे उपाय पे। अगर कुंडली में गुरु ग्रह का दोष है या गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर नहाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए स्नान करें। और ये थे उपाय जो आप गुरुवार को श्रद्धा भाव से करें और अपने जीवन में आने वाली परेशानियों और कष्टों को दूर करें। तो चलती है, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए कमेंट में राधे राधे।